क्रिकेट में जीत हार खेल का हिस्सा है, ये कोई खास बात नहीं है। जो हमारे संघ हैं जिनको मान्यता मिली हुई है, अगर जो इनकी कमी की वजह से खिलाड़ियों को ठीक समय पर भोजन ना मिलना, ये अपने आप में छोटे मोटे शिकायत नहीं है, बहुत बड़ी शिकायत है। देश को आज़ादी कराने के लिए लड़ाई चल रही थी, उस विचारधारा से जुड़े हुए कांग्रेसी कुछ आज ही बचे हैं, तो उनको नैतिकता के आधार पर, राहुल गांधी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सोनिया गांधी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनका दामन उनको छोड़ देना चाहिए। और आज कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये शक्ति प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये डूबते हुए जहाज हैं, ये भ्रष्टाचार के दूसरे नाम हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में गदरपुर से विधायक हैं और अरविंद पांडे जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, कई अहम सवालों पर आज उनसे जवाब लेने हैं, क्योंकि खेल मंत्रालय को देखते आए हैं उत्तराखंड में। BCCI से जब एफिलिएशन मिला तब मंत्री हुआ करते थे, और आज जो खबरें निकल कर आ रही हैं एसोसिएशन को लेकर, क्रिकेट को लेकर, उन पर क्या कहेंगे सर? एक बहुत बड़ा मसला आया, एक ऐतिहासिक हार हुई है भारत उत्तराखंड की टीम की रणजी में। उससे पहले कहा गया कि जो खिलाड़ी हैं वो भूखे रहे, उन्हें खाने तक को पैसे नहीं दिए गए, आपके संज्ञान में ये मामला है, क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड प्रदेश के 20 साल बनने के बाद भी इस उत्तराखंड प्रदेश को BCCI की मान्यता नहीं मिली थी, जिसकी वजह से हमारे हजारों बच्चे क्रिकेट में आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन भगवान की कृपा हुई, हमारी सरकार बनी, मैं खेल मंत्री था, हम लोगों ने सकारात्मक प्रयास किया, और किस एसोसिएशन को मान्यता मिले किसको ना मिले, इस झगड़े से अलग हटकर उत्तराखंड के बच्चों के हित में, क्रिकेट के हित में हम लोगों ने प्रयास किया, हमारी सरकार ने प्रयास किया, और BCCI की मान्यता मिली। दूसरी बात, क्रिकेट में जीत हार खेल का हिस्सा है, ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन BCCI अपने खिलाड़ियों का बहुत ध्यान करती है, रुपये पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर जो कहीं ना कहीं जो हमारे संघ हैं जिनको मान्यता मिली हुई है, अगर जो इनकी कमी की वजह से खिलाड़ियों को ठीक समय पर भोजन ना मिलना, ये अपने आप में छोटे मोटे शिकायत नहीं है, बहुत बड़ी शिकायत है, और हमारे पास कोई इसका संज्ञान अभी आप लोगों के माध्यम से आया है, और इंटरनली कोई हमारे पास सूचना आएगी और मैं भी इसका संज्ञान लूँगा, ऐसा नहीं कि उसको हम छोड़ देंगे, सूचना कैसे भी आई है हम इसका संज्ञान लेंगे, और जो संबंधित लोग इसके हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। खेलों का, जैसे राष्ट्रीय खेल भी अब उत्तराखंड में होने हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके वक्त पर बना था, जिस तरह के प्रयास हुए थे, अभी आप क्या देख रहे हैं, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार है? बिल्कुल, उत्तराखंड में कोविड से पहले हमारे यहाँ कहीं कहीं राष्ट्रीय खेल होना था, हमारी सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी, लेकिन कोविड की वजह से वो निरस्त हो गया। लेकिन अगर जो आज भी हमको इस वर्ष भी अगर जो राष्ट्रीय खेल कराने का न्योता उत्तराखंड को दिया जाता है, उत्तराखंड को आमंत्रित किया जाता है, तो हमारी सरकार बिल्कुल सक्षम है सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में, और बहुत सम्मानजनक राष्ट्रीय खेलों को कराने के लिए सक्षम है, हमारी सरकार तैयार है। विपक्ष को लेकर एक सवाल मेरा आपसे है विधायक जी, कांग्रेस का जो राहुल गांधी का जो हेराल्ड को लेकर जो प्रकरण चल रहा है, उसमें कल पूछताछ हुई, आज भी वो ED के सामने है, कांग्रेस ने पूरे देश में विरोध किया, उत्तराखंड में भी विरोध हुआ है, किस रूप में देखते हैं आप? कांग्रेस कह रही है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है और तानाशाही कर रही है केंद्र सरकार। अभी भी जो कांग्रेस के अंदर कुछ निष्ठावान कार्यकर्ता हो सकते हैं, जो गांधी जी, नेहरू जी, और जब देश को आज़ादी कराने के लिए लड़ाई चल रही थी, उस विचारधारा से जुड़े हुए कांग्रेसी कुछ आज ही बचे हैं, तो उनको नैतिकता के आधार पर, राहुल गांधी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सोनिया गांधी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनका दामन उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ED की अगर जो जांच होती है तो ED को अपना स्वतंत्र जांच कर देना चाहिए, उसको प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको मालूम है कि उन्होंने फंसना ही फंसना है, इसलिए वो जांच को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस के जो छोटी सी ताकत बची हुई है, गिनती की ताकत बची हुई है, उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। आप याद कीजिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी SIT में एक बार जांच में गए थे, तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत को नहीं दिखाया उन्होंने। जो आदमी सांच को आँच किस बात का, अगर जो आदमी ईमानदार है
तो एजेंसियों को खुली जांच करने देना चाहिए। और आज कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये शक्ति प्रदर्शन कर रही है। उनको मोदी जी से सीख लेना चाहिए। मोदी जी को जब बुलाया था SIT ने, अकेले गए और जहाँ जो उन्होंने सवाल थे उनके जवाब दे के आए, एजेंसी को दबाव नहीं बनाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार की वजह से, देश को लूटने की वजह से, और कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना और उनको दिशाहीन करने की वजह से ख़त्म होती जा रही है। और अभी भी कांग्रेस सीख नहीं ले रही है। तो जो कांग्रेस में निष्ठावान लोग हैं, जो भावनाओं में बंध के कहीं ना कहीं उनके कहने पर खड़े हो जाते हैं, उन कार्यकर्ताओं को सीख लेनी चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये डूबते हुए जहाज हैं, ये भ्रष्टाचार के दूसरे नाम हैं। तो इनसे अलग हटकर उनको अपनी विचारधारा के लिए काम करनी चाहिए। जो देश की आज़ादी में कांग्रेस ने हल्का फुल्का काम किया था, उनके लिए काम करना चाहिए। इन्हें भ्रष्टाचारियों का दामन इनको छोड़ देना चाहिए। कि जो प्रवक्ता हैं नूपुर, उन्होंने एक बयान दिया प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर, पार्टी ने उन्हें बाहर निकाल दिया, उसके बावजूद पूरे देश में प्रदर्शन किया मुस्लिम समुदाय की ओर से। अब जो बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है UP में, आपका पड़ोसी राज्य है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, तो विपक्ष का कहना है कि क्या कानून से ऊपर उठना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ? क्या सरकारें बुलडोजर से किसी का भी घर गिरा देंगी, जबकि मामला कोर्ट में है? क्या न्याय के तराजू में किसी मामले को तोलना नहीं चाहिए, बुलडोजर से ही काम होगा? तो क्या पत्थर मारने से संविधान बदल लेंगे? जहाँ देखो वहाँ बिना बात के नूपुर शर्मा ने कोई बयान गलत दिया, भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल एक्शन लिया। कानून अपना काम कर गया। तो जब कानून अपना काम कर गया, जो ये मांग कर रहे हैं वो ऑलरेडी पहले ही कर चुकी है, BJP कर चुकी है, सरकार अपने मुकदमा कायम करके अपनी कार्रवाई कर रही है, तो इनको पत्थर चला के संविधान बदलने का अधिकार किसने दे दिया? तो जो लोग पत्थर से हमारे पुलिस वालों को जानलेवा हमला कर सकते हैं, आम लोगों पर जानलेवा हमला कर सकते हैं, ऐसे अपराधियों का मकान तो टूटना ही चाहिए। इसमें गलत क्या है? ठीक तो है। हमको एक तरफ हम कानून का पालन नहीं करेंगे, हम पत्थर का पालन करेंगे, पत्थर बरसाएंगे, लोगों को तोड़ेंगे, लोगों के घर फूंक देंगे, गाड़ियाँ तोड़ देंगे, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुँचा देंगे। ये कौन से संविधान की बात कर रहे हैं? क्या ये हिंदुस्तान नहीं है? क्या ये अफगानिस्तान की परिपाटी, पाकिस्तान की परिपाटी ये हिंदुस्तान में क्यों लागू हो गई है? इनको भूल जाना चाहिए। इनके दिमाग में इस बात का कहीं ना कहीं असर होना चाहिए कि ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के समर्थन वाली गवर्नमेंट नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का नया हिंदुस्तान का निर्माण है, सबका साथ सबका विकास। इतनी हमारी मोदी जी ने योजनाएँ लागू की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके विकास के लिए काम कर गए, और उसके बीच में देश को बदनाम करने के लिए कुछ लोग काम कर गए हैं। अगर जो वो संविधान के तहत चलेंगे तो हम लोगों के भाई हैं, लेकिन चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी है, वो संविधान से ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए, बुलडोजर चलेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे, 5 साल का टेन्यूअर आपका एक शानदार कार्यकाल रहा कैबिनेट मंत्री के तौर पर, 3 सीटें इस वक्त खाली हैं, क्या ये सीटें भरने जा रही हैं? क्या आपका दावा मजबूत है? क्या आने वाले समय में आपके समर्थक, देश प्रदेश के लोग अरविंद पांडे को दोबारा कैबिनेट में देखेंगे? हमारा मजबूत दावा एक कार्यकर्ता के नाते है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, BJP का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, ये मेरा दावा है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, ये मेरा दावा है, और ये मुझे फख्र भी है। मंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का उन्होंने तय करना है। जिसको उन्होंने पहले बनाया बहुत अच्छे लोग हैं, योग्य लोग हैं, आगे जो लोग बनेंगे वो भी हमारी पार्टी में सब अच्छे नेता हैं, योग्य नेता हैं, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। तो आगे कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये हमारे केंद्र के नेतृत्व को अधिकार है, हमें उन पर विश्वास है। हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे अरविंद पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री। देश में इस वक्त जो नूपुर शर्मा के बयान के बाद जो माहौल चला, और राहुल गांधी के हेराल्ड केस को लेकर जो माहौल इस वक्त चल रहा है, जिस तरह से विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ है, उन तमाम मुद्दों पर, यूपी में बुलडोजर सरकार के मसले पर कई सवालों के उन्होंने बेबाक जवाब दिए हैं। और उन्होंने जो सबसे बड़ा सवाल उनके सामने इस वक्त था कि क्या कैबिनेट की खाली 3 सीटों में उन्हें जगह मिलने जा रही है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि वो आश्वस्त हैं, केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है, और वो एक कार्यकर्ता के तौर पर प्रबल दावेदार भी हैं। कैमरामैन प्रतीक के साथ हेमवर्त, जय भारत TV।